दोस्तों हम घर के फर्श से तो झाड़ू और पोछे से अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीजें जैसे कि सोफा है, सोफे में से अगर आप डस्ट उड़ाएंगे तो वो उड़ के वापस बैठती इसी के ऊपर है। अब ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि मैं सोफे को बाहर लेके जाऊं और फिर मैं इसकी डस्टिंग करूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसी तरह दूसरे अप्लायंस जैसे कि बिस्तर है, तकिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, इसके अलावा फैंस है, शैंडलियर्स है, इनके सबकी क्लीनिंग, इनकी डस्टिंग बहुत ईजी नहीं होती है। दोस्तों इन सब की इजी क्लीनिंग के लिए हमें चाहिए होता है एक वैक्यूम क्लीनर। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे यूरेका फोर्ब्स, जो कि इस कैटेगरी के अंदर, वैक्यूम क्लीनर्स की कैटेगरी के अंदर इंडिया की सबसे नंबर वन ब्रांड है। उसका हम एक ट्रेंडी स्टील के नाम से एक वैक्यूम क्लीनर आता है जिसके अंदर 13 एक्सेसरीज आती हैं। बहुत बढ़िया और बहुत काफी अच्छे अटैचमेंट्स वाला ये वैक्यूम क्लीनर है। इसके सारे अटैचमेंट्स के बहुत डिफरेंट यूजेस हैं जिसके बारे में मैं ब्रीफ से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा मेन बॉक्स, यूरेका फोर्ब्स का ट्रेंडी स्टील मॉडल है, 13 एक्सेसरीज के साथ में आता है। और साइड व्यू की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जिनको डिटेल में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। इसका एमआरपी है 7599 रुपए, लेकिन ये मार्केट में अप्रॉक्स आपको 7000 रुपए के आसपास ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। हमेशा की तरह इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां जाकर आप इसको देख सकते हैं ऑनलाइन। और चलिए देखते हैं हमारी मेन यूनिट। तो दोस्तों ये है हमारी मेन यूनिट और इसके साथ में हमारे हमें 13 अटैचमेंट्स मिलते हैं जिनको एक एक करके मैं आगे की इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से अटैचमेंट्स का क्या काम है। पहले बात करते हैं हमारी मेन यूनिट की। तो बेसिकली ये जो इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है, ये ABS प्लास्टिक से बना हुआ है, बहुत स्टर्डी और बहुत शानदार क्वालिटी का प्लास्टिक बना हुआ, प्लास्टिक से बना हुआ ये। और इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी फील जो है वो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर व्हील्स दिए हुए हैं, तो बहुत एक्चुअली वेट भी थोड़ा अच्छा खासा है, लगभग इसका 4-5 किलो के आसपास का वेट होगा, तो उठाने की जरूरत नहीं है। व्हील्स हैं, व्हील्स में भी इसमें दो तरह के हैं, एक तो पीछे दो बड़े व्हील्स हैं जो आगे पीछे खिसकने काम आएगा, एक ये है इसका 360 डिग्री, मतलब कि चारों तरफ घूम सकता है ऐसा व्हील, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में इसको आप घुमा पाएंगे। तो एक ये इसका प्लस पॉइंट है। सबसे अच्छी बात है इस यूनिट की कि इसमें अपने को वेरिएबल पावर कंट्रोल भी मिलता है कि अगर आप इसमें सक्शन या फिर ब्लोअर को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो इसके लिए इसमें बटन दिया हुआ है अलग से। बहुत कम वैक्यूम क्लीनर्स में ये ऑप्शन आता है। सामने की तरफ यहाँ पर ये डस्ट बैग फुल का इंडिकेटर दिया हुआ है। ये है इसका सक्शन पॉइंट, जहाँ हमें पाइप, इसका जो मेन हॉस पाइप है वो यहाँ लगाएंगे तो ये सक्शन करेगा। और ब्लोअर पॉइंट है इसका यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पर, तो इसके लिए हमें इस वाले अटैचमेंट को कुछ इस तरह से रिमूव करना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे हॉस पाइप, ब्लोअर पाइप जो है वो आप यहाँ लगाएंगे तो ये ब्लोअर पाइप का काम करेगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर वायर लेंथ की। तो ये इसका वायर है दोस्तों, वायर निकालने का भी इसमें एक्चुअली एक सिस्टम दिया हुआ है। वायर आपको कंटिन्यूअस बहुत तेजी से नहीं खींचना है, आराम से धीरे धीरे खींचना है। और इसके अंदर एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है, रेड कलर का इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा। ये जब इंडिकेटर, मतलब कि ये जब रेड कलर का जब ये वायर आ जाए तो उसके बाद में आपको वायर को और ज्यादा नहीं खींचना है। अब इसके अंदर एक और अच्छी चीज दी हुई है, वो दिया हुआ है इसके अंदर कॉर्ड वाइंडर। कॉर्ड वाइंडर का बेसिकली मतलब ये है, बहुत ही आसानी से और बहुत बढ़िया से इसने कॉर्ड को पूरा का पूरा अंदर ले लिया, तो आपकी कॉर्ड इधर उधर लटकती भी नहीं रहेगी, इधर उधर आपको बिखरी भी नहीं दिखेगी, पूरी पूरी इसके तार इसके अंदर गए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत शानदार क्वालिटी है, फिनिशिंग, प्लास्टिक क्वालिटी, इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब हम एक एक करके इसके साथ में जो अटैचमेंट्स आए हैं उसको देखते हैं और उसको मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि कौन सा अटैचमेंट का क्या काम है। दोस्तों 13 अटैचमेंट्स है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है वो है इसका ये मेन हॉस पाइप। दोस्तों इसकी क्वालिटी की अगर सबसे पहले मैं बात करूं लेंथ की, तो अप्रॉक्स इसकी लेंथ लगभग 2.5 मीटर के आसपास का इसका लेंथ है। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो एक्चुअली ये बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी का पाइप है। अगर मैं इसको कंप्लीट इस तरह से भी टिल्ट कर देता हूं तो भी इसके मोड़ने कटने का कोई काम नहीं है, तो काफी अच्छी क्वालिटी का ये प्लास्टिक है। दोस्तों कोई भी आप फंक्शन इसमें परफॉर्म करेंगे, चाहे सक्शन यूज में लें, चाहे ब्लोवर या कोई भी फंक्शन, तो आपको ये पाइप तो यूज में लेना ही पड़ेगा। तो सबसे जो ज्यादा काम आएगा वो ये वाला पाइप काम आएगा। दोस्तों इस मेन हॉस पाइप को लगाना बिल्कुल इजी है, इसके लिए यहाँ पे 3 लॉक पॉइंट दिए हुए हैं और आपके हॉस पाइप में भी 3 लॉक पॉइंट है, तो इन तीनों लॉक पॉइंट को इसमें मैच करते हुए लगाना है। और फिर उसके बाद में आपको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लॉक लग जाएगा, यहाँ पे इसमें इंडिकेट भी किया हुआ है। और अगर आप इसे वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वापस कुछ इस तरह से निकल भी जाएगा। तो इसको निकालना और लगाना बिल्कुल ईजी है, सावधानी से लगाएंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरह से ये जो मेन होस पाइप है ये ब्लोअर पॉइंट पर लगेगा, तो आप हवा को ब्लो कर सकते हैं। अब हम आगे अटैचमेंट्स की बात करते हैं, तो हमें इसके साथ में मिलता है 2 एक्सटेंशन पाइप, मतलब कि ऐसा आपको कोई काम करना है जैसे कि आपको बहुत झुकना ना पड़े, जैसे कि अगर आपको फर्श की क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए आपको ये पाइप कुछ इस तरह से इसके आगे ये कनेक्ट हो जाएगा।
तो उसके बाद में आप अगर बैठकर अगर आप या मतलब खड़े होकर अगर आप फर्श की क्लीनिंग करना चाहे तो आपको बैंड नहीं होना पड़ेगा, झुकना नहीं होना पड़ेगा। या फिर अगर आपको कोई हाइट का काम करना है, जैसे आपको मकड़ी का जाला खींचना है, आपकी कोई पेंटिंग साफ करनी है, आपको आपको कोई भी लाइक आपको कोई भी ऊपर का हाइट का काम करना है, तो उसके लिए आपको ये एक्सटेंशन पाइप काम आएंगे। ये दोनों एक्सटेंशन पाइप वो हम और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देख रहे हैं आप बहुत अच्छी हाइट होगी, तो मैं बैठे बैठे भी भले छत पर इसका कोई अगर मुझे कोई काम यूज में लेना है तो मैं इसको ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट हो गया हमारा ये अटैचमेंट। इसके बाद में हमें मिलता है इसके साथ में एक ये मेरा सबसे फेवरेट टूल है इसका अटैचमेंट है। एक्चुअली ये काम आता है कार वॉश अडेप्टर। बेसिकली एक्चुअली जहां प्रेशर की प्रॉब्लम है पानी में, और अगर आपको कार धोते हैं या कोई भी चीज, अगर आप इवन अगर आपको कोई भी चीज वॉश करनी है तो आप इसमें प्रेशर के साथ में वॉश कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको ये यूज में लेना पड़ेगा ब्लोअर पॉइंट पर। ध्यान रखिएगा ब्लोअर पॉइंट पर यूज में लेना है। उसके लिए आपको इस पाइप को कुछ इस तरह से इसमें अटैच करना है और यहां पर आपको लगाना है आपका पानी का पाइप। जैसे ही आप टैप ऑन करके वैक्यूम क्लीनर ऑन करेंगे तो ये उस पानी को एकदम प्रेशर के साथ में फेंकेगा और बहुत अच्छा फ्लो हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा टूल है और बहुत यूजफुल भी है। नेक्स्ट टूल आता है ग्रिल क्लीनर। बेसिकली ऐसी कोई टफ चीज जैसे कि एसी की ग्रिल्स होती हैं, आपके रेफ्रिजरेटर का पीछे का पार्ट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, उनको अगर आपको टफ क्लीनिंग करनी है तो उसको आप इस ग्रिल क्लीनर से वॉश क्लीन कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको सक्शन पर यूज लेना पड़ेगा। एक ये है इसके साथ में स्प्रे बॉटल। दोस्तों स्प्रे बॉटल का बेसिकली यूज अगर आप प्लांट्स पे अगर आप पानी डालना चाह रहे हैं, कोई केमिकल डालना चाह रहे हैं, या इवन अगर आपको आपकी घर की वॉल पे पेंट करना है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कोई चीज कोई भी किसी चीज का अगर आपको स्प्रे करना है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और ये सिर्फ ब्लोवर पॉइंट पर ही यूज में ली जाएगी। तो हालांकि थोड़ी बॉटल छोटी है बट अगर हम देखा जाए तो कंफर्टेबल भी रहेगी, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे हाथ में जब इसका पाइप रहेगा तो कुछ इस तरह से ये इसके आगे कनेक्ट हो सकती है, तो अगर बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी तो एक्चुअली ये कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट टूल है कोट ब्रश। तो ये आप मेरे हिसाब से पहली बार ही देख रहे होंगे। अगर आप वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं तो बहुत कम वैक्यूम क्लीनर्स के साथ में ब्रश आती है। अगर आपके को पास में कोई महंगा सूट है या फिर आपकी महंगी साड़ीज हैं, एक्चुअली डस्ट कहीं पर भी पहुंच जाती है। इवन अगर मैं बिल्कुल अगर कोई पैक रूम होता है तो उसमें भी डस्ट पहुंच जाती है। तो अगर आपकी वार्डरोब है जहां पे आपके महंगे कपड़े पड़े हैं, अगर आपने कोई ऐसा सूट है जिसको आपने बहुत टाइम से नहीं पहना, उस पर डस्ट लग जाती है, तो उसकी क्लीनिंग के लिए आप ये कोट ब्रश यूज में ले सकते हैं, जो कि कपड़े को डैमेज भी नहीं करेगा। और कुछ इस तरह से आप इसको यूज करके, और आप अगर सपोज ये ऐसे कपड़ा है तो इसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये सिर्फ सक्शन एंड पर ही यूज में लिया जाएगा। नेक्स्ट अटैचमेंट आता है हमारे पास में फ्लोर क्लीनर ब्रश। ये फ्लोर क्लीनर ब्रश इसका काफी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने और भी दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स देखे हैं, उनसे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसमें यहाँ पे सामने की तरफ आपको स्टील का ये नजर आ रहा है। बेसिकली ये अगर आपका कारपेट है तो उसको डैमेज नहीं करेगा। और इसमें पीछे भी एक्चुअली ये एक सक्शन पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये पीछे छोटा, अगर आप कोई कारपेट है, छोटा कोई चीज अगर आपको सक करनी है तो वहां से आप इस वाले पार्ट को यूज में ले सकते हैं। बाकी अगर आपको नॉर्मल कारपेट की बड़ी चीज की क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए आप सामने वाली इस चीज को पोर्शन को भी यूज में ले सकते हैं। इसकी वैसे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इसके सारे अटैचमेंट्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। फ्लोर एंड कारपेट ब्रश। अब नेक्स्ट अटैचमेंट है इसके साथ में प्रिसीजन क्लीनर। बेसिकली दोस्तों ये ब्लोअर और सक्शन दोनों एंड पर यूज में लिया जा सकता है। बहुत छोटा सा अटैचमेंट है लेकिन बहुत काम का अटैचमेंट है। जैसे कि अगर आपको बर्नर्स हैं, बर्नर्स से ऊपर से अगर बर्नर्स के अंदर कचरा गया हुआ है वो अगर आपको सक करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर आपको कुछ कचरा सक करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा यूज है जो बच्चों के काम आएगा, अगर आप कोई घर में हाउस पार्टी रखते हैं और अगर आपको ढेर सारे बलून फुलाने हैं तो उसके अंदर भी ये काम आएगा। तो उसके लिए आपको यूज में लेना पड़ेगा ब्लोअर एंड पे, और अगर इसमें से कोई भी कचरा खींचना है तो ऑब्वियसली आपको सक्शन एंड पर यूज में लेना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज करके और आप दोनों इसमें फीचर्स सक्शन और ब्लोअर पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट इसके साथ में मिलता है ये डिमोथिंग वेपोराइजर है। दोस्तों ये बहुत कम वैक्यूम क्लीनर्स में मिलता है। बेसिकली बहुत अलग सा और बहुत यूनिक सा दिखने वाला एक ही अटैचमेंट है। कम्प्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है, मैं अंदर से भी खोल के दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ये नजर आता है। बेसिकली अगर आप किसी चीज का अगर आप रूम में, जैसे कि अगर आप रूम में ही परफ्यूम का अगर आप छिड़काव करना चाहें, घर में अगर आप रूम का परफ्यूम का छिड़काव करना चाहें, तो अगर आप परफ्यूम का कहीं पर भी छिड़काव करेंगे तो वो एक ही जगह जाएगा, तो आप पूरे घर में तो एक एक करके आप छिड़कने से रहें। तो बेसिकली ये काम आएगा परफ्यूम अगर आप कोई भी ऐसे वेपोराइजर करना है तो, जैसे नेफ्थलीन की बोल्स इसमें डाल के आप वेपोराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कॉटन लेना है, कॉटन के अंदर आपको परफ्यूम छिड़कना है, उसके बाद आप इसके अंदर डाल दिए, उसके बाद में आप इसको ब्लोअर पार्ट पे यूज में लेना है आपको इसको। तो ब्लोअर पार्ट पर कुछ इस तरह से लगा के और आप पूरे रूम में या पूरे घर में आप जहां पर भी आप करना चाहें वहां आप इसमें से वेपोराइज कर सकते हैं।
एक हमें मिलता है ये ऑल सरफेस क्लीनर, बेसिकली ये टू इन वन ब्रश है, इसमें इस तरफ भी पाइप लगेगा और इस तरफ भी पाइप लगेगा। अगर आपको कोई भी हार्ड सरफेस से अगर आपको क्लीनिंग करनी है, जैसे कि फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन यूज में लिया जाएगा। और अगर आपको कर्टन्स, बेड, सोफा, इन सबसे बहुत अच्छे से अगर आपको डस्टिंग यूज में लेनी है, तो कुछ इस तरह से ये वाला पोर्शन यूज में लिया जाएगा। उसके लिए जो पाइप है वो पीछे की तरफ यहां लगेगा, ये यूज में आएगा सक्शन पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट भी आपका सक्शन पर ही यूज में आएगा। तो इसमें दोनों तरफ पाइप लग सकता है, इधर भी लग जाएगा, और अगर आप इसको वापिस इसको इस तरह से करेंगे तो इसमें इस तरफ भी ये पाइप लग जाता है। तो इस तरह से आप, अब ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप इसको ये नेक बैंड लगा के, जो कि इसमें एक और अटैचमेंट है, बेसिकली ये फ्लेक्सी क्लीनर है, लाइक जैसे अगर आपको ऊपर कोई सीलिंग फैन है उसकी क्लीनिंग करनी है, तो सीलिंग फैन ऊपर की तरफ है तो उसकी क्लीनिंग कैसे होगी, मतलब कि आपकी ये पाइप तो मुड़ने से रहा, तो उसके लिए हमें ये फ्लेक्सी क्लीनर यूज में लेना पड़ेगा। बेसिकली पहले हमें फ्लेक्सी क्लीनर यूज में लेना है, और उसके बाद में इसके अंदर लगेगा ये वाला पार्ट। अब तो पहुंचेगा सीलिंग फैन तक ये, तो इस तरह से फ्लेक्सी क्लीनर का भी यूज में आ जाएगा। तो उसने देखा हमने एक एक करके सारे अटैचमेंट्स की, किस तरह से कौन से अटैचमेंट का इसका काम है। तो बेसिकली अगर आपके घर में ड्राई क्लीनिंग का काम है, अगर आपके घर में सिर्फ अगर आपको डस्टिंग जो करनी होती है वो ड्राई होती है, वेट का यूज में नहीं है, तो ये काफी एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल और एक ये फ्लेक्सी क्लीनर एक्स्ट्रा इसके साथ में अटैचमेंट है, और एक और अटैचमेंट है ये काफी अच्छा है, ये है क्रिवाइस टूल। बेसिकली ऐसे पॉइंट्स जहां पे आपके दूसरे जो बारीक सारे अटैचमेंट बहुत बड़े हैं, जैसे ये अटैचमेंट है, अगर मुझे सोफे के कॉर्नर्स की क्लीनिंग करनी है तो ये अंदर थोड़ी जाएगा, तो उसके लिए यूज में आएगा ये वाला टूल। जैसे कि अब मैं इसको अगर यहां से अगर क्लीनिंग करता हूं, तो कुछ इस तरह से ये पूरा अंदर से डस्ट ले सकता है, और ये वाला जो टूल है आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग्स हैं, कर्टन्स हैं, आपको बहुत बारीक से डस्ट अगर कहीं से खींचनी है तो वहां पर ये वाला टूल यूज में लिया जा सकता है। और इवन अगर कहीं से अगर आपको एयर ब्लो करनी है तो वहां पर भी ये टूल यूज में लिया जा सकता है, क्योंकि ये सक्शन और ब्लोवर दोनों के साथ में यूज में आ जाएगा, क्रिवाइस टूल। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपके सिर्फ ड्राई क्लीनिंग का यूज है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि 7,000 रुपए की प्राइस रेंज में हमें ढेर सारे अटैचमेंट्स मिल रहे हैं, तो बेसिकली हमारा सारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। पेंटिंग का, अगर आपका सोफा क्लीन करना है, आपको बेड क्लीन करना है, आपको डस्टिंग करनी है, आपको कहीं से धूल उड़ानी है, बलून फुलाने हैं, गेस्ट स्टोव क्लीनिंग का है, इसके साथ में हमें कार वॉशर, मतलब कि अगर आपको प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे पानी की प्रेशर की प्रॉब्लम बेसिकली मेरे घर पे भी है, तो इसमें वो वाला पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। ओवरऑल क्वालिटी बहुत शानदार है, और मैंने बेसिकली मेरे मल्टीपर्पज था तो उसके लिए मैंने ये परचेज किया। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपके क्या सलाह रहती है, आपके क्या सुझाव रहते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसका यूज़ कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।